नमस्कार, एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और आज सैटरडे है, सैटरडे को हम एस्ट्रोलॉजी सीरीज चलाते हैं, जिसमें हमारे साथ स्टूडियो में है किरण भाई ठक्कर, जिनको बापा के नाम से जानते हैं और वेल नोन एस्ट्रोलॉजर है। सो आज ये सीरीज में अभी तक जितने भी लोगों ने उनके डिटेल्स भेजे हैं, उनका हम आज लाइव जन्माक्षर का प्रिडिक्शन किरण भाई के द्वारा होगा। अभी तक के जितने भी एपिसोड हुए हैं, उनमें जिन जिन लोगों के हमने प्रिडिक्शन किए हैं, सो मैं चाहती हूँ कि हर बार हमें कहना रह गया था कि जिनको भी फीडबैक देना है, वो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए, ताकि हमें पता चले कि जो भी यहाँ से इनके किरण भाई के द्वारा जो भी प्रिडिक्शन किया जाता है, सो वो आपके लिए सही था या नहीं था। सो मेरे ख्याल से फीडबैक हमें आप भेजेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस के जब आंसर्स हमने दिए हैं। और एक बात थी कि एस्ट्रोलॉजी सीरीज जो हमारी चल रही है, उसमें हम एपिसोड में के अंदर हम थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी सिखा देती है। सो जिनको भी एस्ट्रोलॉजी सीखना है, सो आप नोट पैड लेके आप बैठ जाइए। सो जैसे ही क्वेश्चन आंसर का खत्म होगा, उसके बाद थोड़ा सा हम सिखाने भी वाले हैं। तो किरण जी, आपका स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में। और एस्ट्रोलॉजी सीरीज के अंदर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन उसमें से हम आज थोड़े से क्वेश्चंस लेंगे। और जिनको भी इस एपिसोड में, मतलब कि आपका लाइव जन्माक्षर आपको देखना है, आपके बारे में आपको जानना है, आपके भविष्य के बारे में जानना है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम देते हैं। हर सैटरडे को ये एपिसोड होता है, तो आप उसके लिए हमारा जो एक नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर 9227645700, उस पर आप आपकी डिटेल्स भेज सकते हैं। आपका नाम भेजना है, बर्थ डेट भेजना है, बर्थ प्लेस भेजना है, और जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं, वो आपको दो क्वेश्चंस आपको सिर्फ भेजने हैं। तो ये थी थोड़ी सी ये एस्ट्रोलॉजी सीरीज की बेसिक इन्फॉर्मेशन। सो किरण जी, हम शुरू एक और बात आज से जोड़ रहे हैं। हाँ जी, कि कोरोना काल चल रहा है। हाँ, जो भी कोरोना से पीड़ित है या फिर जो भी डर रहे हैं या जिनको भी फिजिकली दिक्कत है, उनके लिए हम आधी रात को भी काम करने के लिए तैयार है। वो अपनी इंफॉर्मेशन नंबर पे जो आप दे रहे हैं, वो नंबर पे भेजे जी। उनका मतलब जो कोरोना पीड़ित है, ऐसा बोल सकते हैं, जो कोरोना पीड़ित है, जो भाई से भाई की वजह से कुछ परेशान है या कुछ समस्या उनकी हल नहीं हो रही है, तो जरूर वो भी हमें संपर्क कर सकते हैं। उनके लिए हम और हमारी टीम है, हमारे शिष्य है, हमारे दूसरे एस्ट्रोलॉजर टीम है, वो पूरी तैयारी में बैठे है कि वो आज से हम चालू कर रहे हैं जी। वैसे कहा जाए कि भगवान की दुहाई सबको काम लगती है जब ऐसी सिचुएशन आती है, और ऐसे सिचुएशन में हम भगवान का नाम ज्यादा जितना भी ले, वो ही हमारे लिए बेहतर रहता है, कि उनसे हमें सुकून भी मिलता है और काफी सारी जो हमारी मानसिक जो समस्या है, वो भी काफी हल हो सकती है। हाँ, मान सकते हैं हम कि पोजीशन बहुत ही खराब है, सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है, लोगों को फाइनेंशियली भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, लेकिन इन सब में बाहर निकलने के लिए आखिर में आते हैं भगवान की प्रार्थना ही। जी, एकदम सही। सो और यहाँ से जो भी किया जाएगा, वो भी एक मंत्र जाप के द्वारा ही सब कुछ किया जाता है, जिससे जो भी समस्या है वो हल होती है। जी सर, तो इसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारे जो व्हाट्सएप नंबर और हमारे चैनल पे, आप गूगल पे जाएंगे तो चैनल का पूरा डिटेल्स आपको मिल सकता है। सो हम अभी जाएंगे प्रश्न और क्वेश्चंस पे जाएंगे सर। सबसे पहले जो प्रश्न था, शैलेश भाई भावसार जो अहमदाबाद से है, उनका बर्थ डेट है 2 फरवरी 1958 जी, और उनका जन्म समय है मॉर्निंग 4 बजे का जी।
जी बर्थप्लेस बर्थप्लेस अहमदाबाद उनका कोई प्रश्न स्पेसिफिक प्रश्न है आप पहले बेसिक उनको बताइए उसके बाद में हम उनके जो प्रश्न है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे अभी इनकी लग्नेश मंगल अस्त का है जो उनकी फिजिकल अवस्था थोड़ी दिक्कत बता रहा है इनका लग्नेश मंगल वीक है जो उसकी कुंडली में वो उनकी फिजिकल अवस्था थोड़ी वीक बता रहा है जी। और उनके खुद के चंद्र से चंद्र सर पे ही चल रहा है मंगल के वही चीज है उनके फिजिकल अवस्था और उसके लिए वो चिंतित है जी। दूसरा है वो जो जीवन में मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत से उनको जो फल मिलना चाहिए जीवन में वो फल नहीं मिल रहा है जी। वो खास उनका प्रश्न रहेगा जी। उन्होंने प्रश्न ये किया है कि उनकी उनको संसारिक सुख नहीं मिल रहा है जी। तो उनके लिए वो क्या करे गणपति उपासना उसके लिए खास जरूरी है और क्यों नहीं मिल रहा है उनको ये उनका भाग्य वीक है मैंने वही बोला जो वो मेहनत कर रहे वो हिसाब से उनको फल नहीं मिल रहा है वही आपका प्रश्न था उसका ही जवाब मैंने दिया पहले ही जी। ठीक है उनकी कुंडली में गुरु राहु का चांदा योग 12वें स्थान में जो उनकी फिजिकल अवस्था भी वीक करता है गोचर में भी वो बहुत ही वीक चल रहा है जो मेंटली और फिजिकल उनकी हाँ, अवस्था वो भी बताया है कि मैं बहुत ही मुश्किल में हूँ हाँ, और वो बहुत सारी समस्या है उनकी लाइफ में जी। अभी गोचर में राहु भी अष्टम स्थान में से पसार हो रहा है और मंगल भी अस्त का होके पड़ा है जो उनकी फिजिकल और मानसिक अवस्था काफी डाउन बता रहा है जी। वो गणपति उपासना करे गणपति अथर्वशीर्ष के पाठ करे उनसे काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक है उनके 12वें स्थान में जो चांदा योग बना है गुरु राहु का उनको बोलिए माता जी के मंदिर जाइए हर रविवार को जी। एक नारियल 250 ग्राम मिश्री कुमकुम और फूलों का हार चढ़ावे काफी अच्छा रहेगा उनको जी। शैलेश जी आपको जो बताया गया है गुरु जी ने वो आपने ध्यान से सुना होगा और इसी का आप जो बताया है वो आप करिए तो शायद आपको इसी में आपकी जो समस्या है वो हल हो सकती है। दूसरा है परिमल पटेल जी जिनका बर्थ डेट है 31 जुलाई 87 जी और उनका जन्म समय है शाम को 6:50 का। बर्थ प्लेस सूरत है उनका। July 31, 1987 शाम को 6:50 सूरत जी। ठीक जी हाँ, उनका कोई प्रश्न तो है बेसिक पहले हम उनको बता दें फिर वो बहुत ही साहसिक इंसान है लेकिन लोगों की बात में आके दोस्तों की बात में आके गलत डिसीजन बहुत ले रहे हैं जिसके कारण पैसे में लंबे चौड़े फंसे रहते हैं ये उनकी कुंडली का एक माइनस पॉइंट है जी। उनका प्रश्न है कि उनकी शादी कब हो सकती है। शादी का योग अभी चल ही रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है दिवाली के बाद में शादी का प्रबल योग चल रहा है जी। परिमल जी आपका शादी के लिए योग चल रहा है सो दिवाली के बाद आपका कुछ ना कुछ हो सकता है। और दूसरा उनका क्वेश्चन ये भी है कि उनको बिजनेस के लिए अब्रॉड जाने के लिए वो सोच रहे हैं। वो जा सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उससे बेटर सूरत में बढ़िया रहेगा जी। परिमल जी आपको एब्रॉड जाने की जरूरत नहीं है वो जा सकते हैं लेकिन सूरत में अगर है तो आप वहाँ ही आपको बेटर चांस मिल सकता है। तीसरा क्वेश्चन है यश नथवानी उनका बर्थ डेट है 13 फरवरी 1996 पर उन्होंने शायद जन्मस्थल सूरत है क्या देखना पड़ेगा। और समय समय शाम को 5:11 बर्थ प्लेस सूरत अभी उसमें लिखा नहीं है पर शायद सूरत ही होगा। कर्क लग्न कुंडली आ रही है जी और लग्नेश नीच राशि का है गलत डिसीजन उनकी जीवन में काफी ले रहे हैं जी। जो काम कर रहे हैं लोगों की बातों में आके
काफी काम कर रहे हैं, लेकिन जो प्रगति मिलनी चाहिए काम धंधे में या पैसों कमाने में, या जो परफेक्ट डिसीजन आना चाहिए, वो डिसीजन वो नहीं ले पा रहे, जिसके कारण उनकी प्रगति में काफी रुकावट आ रही है। ओके, उन्होंने पेशेंट्स ये पूछा है कि उनको वो जो जॉब कर रहे हैं उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है जी, वही हो रहा है जी, तो उनके लिए वो क्या करें, और मतलब अच्छी जॉब उनको मिलती ही नहीं है और जो मिल रही है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा शायद उनका कहना है जी। उनको बोलिए डेली सुबह में दूध पानी। यस नथवानी जी, गुरुजी जो बता रहे हैं वो आप जरूर ध्यान से सुनिए जी, बताइए। दूध पानी, काले तिल और कमल काकड़ी, जिसको कमल गट्टा भी बोल सकते हैं, वो डेली उससे शिवलिंग पे अभिषेक करना है, और गणपति पाठ वो खास करें, इससे उनको काफी फायदा रहेगा जी। यस नथवानी जी, आपने गुरुजी की बात सुनी होगी और इसी पे आप ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन से परेश भाई सूरत से, मतलब उनका बर्थ प्लेस भी शायद सूरत ही है। परेश, तारीख उनका है 24 मई 1980, मतलब 1980। हाँ 1980, और उनका जन्म समय है 13/21, मींस दोपहर का है। बर्थ प्लेस सूरत। हाँ जी जी, परेश भाई उसके सर पे ही सूर्य और शनि का शापित दोष हो रहा है जी, जो जीवन में हर मोड़ उनको दिक्कत दे रहा है, प्रगति नहीं दे रहा है जी। उनका मतलब बेसिक ही उनको, हाँ वही चीज है बेसिक उनका जी। दूसरा वो बिजनेस ओरिएंटल माइंड है उनका, बिजनेस में काफी अच्छा उनका दिमाग चलता है, लेकिन जो बिजनेस के फायदे जो उनको मिलने चाहिए वो कम मिल रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी गुरु की महादशा चल रही है। गुरु उनका अष्टम और पंचम स्थान का मालिक है जी। जो उनको प्रगति में फायदा होना चाहिए वो कम हो रहा है जी। तो उनके लिए एक है सूर्य मंत्र और गणपति मंत्र का पाठ करें निरंतर सुबह शाम जी, और हर रविवार सुबह वो नदी किनारे जावे और माता जी को, सूर्य जी को पानी चढ़ाना, दूध पानी, वो पानी सीधा सूर्य चढ़ाया हुआ जल सीधा नदी में गिरना चाहिए, तापी नदी में, जिससे उनको काफी अच्छा फायदा रहेगा जी। परेश जी, गुरु जी ने बताया है कि आपको खास करके वो नदी किनारे जाना है और सूर्य को जल चढ़ाना है, जैसे ही डायरेक्ट वो नदी में जाए, वो नदी में उससे उनको काफी अच्छा फायदा है, आपको काफी फायदा हो सकता है। और है धनसुख भाई चौहान, उनका बर्थ प्लेस है सूरत और बर्थ डेट है उनका 15 अक्टूबर 44। धनसुख भाई चौहान, धनसुख भाई मुझे ख्याल से अभी जो लास्ट में आया वही है ना। हाँ हाँ वही, तो वो उनका समय नहीं है, तो वो नहीं समय आ गया है उनका, 7:53 है शायद। हाँ तो 15 जुलाई अभी उनका प्रश्न कुंडली ही लेना है, वो हमने जो अभी बोला ना कोरोना से पीड़ित है, हाँ, वो ओके, जी, और जी, उनका हमको इलाज करना है, वो अभी आपसे बात हुई वो आज से चालू कर रहे हैं। हाँ, वो एक केस आया है जी। 15 जुलाई 2020 अभी उनका प्रश्न आया था 7:53 को। हाँ, और वो सूरत के ही है जी जी, 44 है उनका बर्थ में 15 अक्टूबर 44। बेसिकली धनसुख भाई का जो अभी चल रहा है वो मकर लग्न कुंडली आ रहा है जी। उनका विल पावर थोड़ा डाउन हो रहा है जी। उनके नाम से गौ माता को गुड़ खिलावे, उससे उनकी काफी अच्छी हेल्थ में प्रगति रहेगी जी। जितना हो सके उतना गुड़ और रोटी, गेहूं की रोटी और गुड़ धनसुख भाई के नाम से उनके परिवार वाले गौ माता को खिलाए, उनकी हेल्थ में काफी अच्छा सुधार रहेगा जी। ये उनके लिए खास सजेशन है, और ये कोरोना पीड़ित है जी, जो उनको
हम आज से चालू कर रहे हैं जी, कोरोना पीड़ित है, हॉस्पिटल में है और काफी सारे परेशानियों से वो बहुत मतलब परेशानी उनको भी है, उनके परिवार को भी हो रही जी, है जी। और एज की वजह से शायद और ज्यादा टेंशन में वो लोग हैं। तो दंशुक भाई के परिवार के जो लोग हैं वो आपने जो क्वेश्चन हमें बोला था वो यहाँ से हमने आपके उसके आंसर भी दिए हैं। और आपको जो करना है जो गाय माता को गुड़ और रोटी खिलावे उनसे काफी उनको फायदा है उनके नाम से, सो वो आप करेंगे तो जरूर उनकी हेल्थ में फायदा हो सकता है। सो ये आज के हमने इतने क्वेश्चन लिए थे और जो हमने बताया था इसी तरह कि एस्ट्रोलॉजी अगर आपको सीखनी है तो हम लास्ट की 5-7 मिनट्स एस्ट्रोलॉजी सिखाएंगे, पर उससे पहले गुरुजी सिखाने से पहले ये जो हमारे दर्शक हैं उनको आप ये अभी कोरोना की जो सिचुएशन हुई है जैसे वापस लॉकडाउन आ गया ऐसी स्थिति हो गई है, खुद अपने सबने स्वैच्छिक अपना लॉकडाउन किया हुआ है, सब अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं और हम भी आप सभी को यही कहते हैं कि जब आपको जरूरत नहीं है आप घर से ना निकले और आपका पूरा ख्याल रखिए, आपके परिवार का भी ख्याल रखिए और जिस तरह से अगर आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं तो जैसे ही घर के हम इलाज करते हैं थोड़ा सा भक्ति भाव कीजिए घर में बैठ के सबके साथ, तो और भी आपका माइंड थोड़ा प्रफुल्लित हो जाएगा और जो भय के अंदर है लोग उसमें भी थोड़ी अच्छी सी मतलब टेंशन कम हम रिलीफ कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए सबको घर में बैठ के? एक्चुअली इसीलिए आज से आपकी चैनल के माध्यम से ये कार्यक्रम स्टार्ट किया है कोरोना के लिए जी। हर एक की कुंडली के हिसाब से उनकी जो विल पावर है वो बढ़ानी है, हर एक को स्टेमिना देना है, हर एक के लिए जो हम कर सकते वो करेंगे, उसके लिए हमारे शिष्य हमारे जो टीम है जी। जो एस्ट्रोलॉजर वो सब तैयार है, लेकिन जो भी दिक्कत है वो आप बताइए तो उनके लिए हम कर सकते हैं, उनके लिए कभी भी प्रश्न हो उसका जवाब हम देंगे ठीक है जी। लेकिन वो सब ग्रह नक्षत्र से ही चलता है जी। मतलब कंपल्सरी उनका नाम चाहिए, बर्थ डेट चाहिए, बर्थ प्लेस चाहिए, वो सब हमें डिटेल्स उनकी चाहिए तभी हम बता सकते जी, हैं जी, तभी हम बता सकते जी, हैं जी। दूसरी बात है कि अगर इंसान की ग्रह खराब हो गई या फिर उनकी शक्ति कम होती है तभी ये उनके अंदर ये कुछ तकलीफ आती है, तो उनके लिए हम जो भी करना है वो करेंगे जी। बहुत ही अच्छी बात है। तो दर्शक मित्र आपको जो भी करना है घर में बैठ के आसानी से जो हम कर सकते हैं ये हमारे लिए 10 दिन बहुत ही महत्व के है। 10 दिन हम आराम से घर में बैठ के अच्छा सा सोच विचार करके अपनी टैलेंट भी अगर कुछ टैलेंट है तो वो भी आप कुछ नया सीख सकते हैं घर में बैठ के, तो काफ़ी सारी चीज़ों की समस्याएं हल हो सकती है। सो लास्ट हमारी जो 5-7 मिनट्स रहेगी वो एस्ट्रोलॉजी गुरुजी आपको सिखाएंगे। जिनको भी सीखना है मैंने पहले ही बताया था एपिसोड शुरू करने से पहले कि आपको सीखना है तो आप जरूर नोटपैड लेके बैठ जाइए। तो गुरुजी अभी स्टार्ट करते हैं, गुरुजी आप शुरू कीजिए एस्ट्रोलॉजी जो हमारे दर्शकों को सीखनी है उनको आप। लास्ट टाइम हमने सिखाया था 12 राशि और 12 राशि के जो मालिक होते हैं उनके बारे में बताया था जी। आज ये सिखा रहे हैं कि 12 राशि हमारे शरीर के कहाँ पे कौन से पार्ट पे वो एक्टिव होती है जी। जैसे मेष राशि है, मेष राशि हमारे सर पे एक्टिव होती है जी। उनका जो भी देखना है वो मेष राशि का वो अपने सर से देखते हैं जी। दूसरी राशि है वृषभ राशि, वो हमारे मुख से देखी जाती है ठीक है, वो हमारे मुख पे एक्टिव होती है वो आप वहां से देख सकते हैं। तीसरी राशि है मिथुन राशि, मिथुन राशि हमारे कंधे हमारे स्तन का भाग है वहां पे वो एक्टिव होती है जी। और मिथुन राशि से आप वहां पे अपने शरीर के वो हिस्से पे आप देख सकते हैं। चौथी राशि है कर्क राशि, कर्क राशि हमारे हार्ट पे असर करती है जी। उनकी एक्टिवनेस हमारा हार्ट पे रहती है तो उनके बारे में अगर हार्ट के बारे में जानना है तो कर्क राशि से आप जान सकते हैं जी। पांचवी राशि है सिंह राशि, सिंह राशि मतलब हमारा पेट हो गया,
हमारी पाचन क्रिया हो गई, हमारा जो जठर ये सब चीज है वो सिंह राशि से देख सकते हैं। छठी राशि होगी कन्या राशि, हमारी नाभि से थोड़ा नीचे का भाग है जी। कमर पीछे का जो कमर का भाग है वो आप कन्या राशि से देख सकते हैं। सातवीं राशि है तुला राशि, तुला राशि नाभि से थोड़ा नीचे का भाग है, जैसे औरतों का गर्भाशय की ठेली है जी, लीवर है, ये सब वहां से आप देख सकते हैं तुला राशि से जी। आठवीं राशि हो गई वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि जो हमारा लिंग होता है मतलब गुप्तांग होता है, वहां से आप आठवीं राशि के बारे में जान सकते हैं। नौवीं राशि जो हमारा पीछे का भाग है जहां से टॉयलेट होता है, वो चीज से हम नौवीं राशि के बारे में जान सकते हैं। दसवीं राशि है मकर राशि, मकर राशि हमारे शरीर पे जंगा पे एक्टिव होती है जी। हमारा शरीर की जो जंगा होती है पैर वहां पे वो एक्टिव होती है। ग्यारहवीं राशि है कुंभ राशि, कुंभ राशि हमारे घुटन पे एक्टिव होती है, जो जोड़ होते हैं पैर के जोड़ होते हैं घुटन बोलते हैं उसके, वहां पे एक्टिव होती है। और बारहवीं राशि होती है मीन राशि, जो हमारे पैरों पे और पैर के जो नीचे का भाग होता है वहां पे एक्टिव होती है जी। तो ये बारह राशि हमारे शरीर पे कहाँ एक्टिव होती है और कैसे उसको देखना है वो आगे हम धीरे धीरे बताते जाएंगे जी। तो आज के लिए जो राशि 12 राशि थी उनका कैसे आप देख सकते हो, कैसे मतलब राशि का हमारे शरीर पे कहाँ पे एक्टिव होती है इनके बारे में आज हमने सिखाया है। और गुरुजी जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए खास आज कुछ संदेश आप दीजिए। आज बहुत ही भयानक अवस्था में से हम पसार हो रहे हैं, कोरोना का जो लास्ट स्टेज चल रहा है ऐसे भी बोल सकते हैं जी। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान है उनकी कर्क राशि मानी जाती है जी। लोग बोलते हैं कि ये हो जाएगा, नहीं होगा जब तक कर्क राशि के 12वें स्थान में से राहु पसार हो रहा है तब तक हिंदुस्तान का ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा। सितंबर महीने के एंड में मतलब अक्टूबर के शुरुआत में राहु राशि चेंज कर रहा है, वो हिंदुस्तान के लिए नया सूरज लेके आएगा जिसमें कोरोना महामारी भी खत्म होने की संभावना वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, उससे पहले ही हो जाएगी लेकिन वहीं से स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि राहु अभी बल छोड़ रहा है जी। उसका मतलब अभी जो सिचुएशन है उसका सामना अभी हमें करना ही है, अभी करना ही है। और सितंबर तक हमें इससे गुजरना है जी, सितंबर एंड तक इस सब समस्याओं से हमें गुजरना है। सो इसके लिए हमें तैयारी रखनी पड़ेगी। और जिस तरह से लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन है, बिजनेस नहीं है, पैसा नहीं है, लोग काफी टेंशन में चल रहे हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा है कि हर रोज वो लोग कुछ ऐसा, जैसे कि हम गणपति मंत्र करते हैं, गणेश मंत्र करते हैं या कोई गायत्री मंत्र करता है ऐसे, तो ऐसा कोई हमें मंत्र हम उनको देते हैं कि जिसको करके उनको थोड़ी सी मानसिक शांति मिल जाए। गणपति अथर्व से इसके पाठ वो कर सकते हैं निरंतर जी, क्योंकि दूसरे जो मंत्र दिए जाते हैं उनकी एक मर्यादा होती है, उनका एक नियम होता है, वो नियम के अनुसार हर एक मंत्र किया जा सकता है, लेकिन गणपति अथर्वशीष या गणपति मंत्र उसका कोई नियम नहीं, आप कहीं पे भी बैठ के कभी भी कर सकते हैं जी। तो ये एक और प्रगट देव है जी, जी। सब देवों में पहले पूजे जाते हैं और प्रगट देव है जो तुरंत फल देने वाले बोले जाते हैं, तो आप उनके ऊपर ध्यान दीजिए, उससे आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा जी। काफी मतलब 80% लोग इससे परेशान है, तो गुरु जी ने बताया वैसे आप अगर रात को सोते समय ये मंत्र 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट करके सोइए, ये 20 मिनट का आप बोलिए, 20 मिनट आप ये मंत्र करके अगर सोएंगे और सुबह उठकर भी आप इस मंत्र को 20 मिनट उठ के ही सीधा आप करिए, आपको काफी रिलीफ इससे मिल सकता है। और गुरु जी 21 तारीख से श्रावण मास शुरू हो रहा है जी। तो हमारा एपिसोड तो होगा लेकिन उससे पहले श्रावण महीना जो आ रहा है तो उनमें हमारे जो श्रावण मतलब जो हमारे शिव जी के भक्त हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे कि श्रावण महीना कैसा रहेगा? भक्ति का एक महीना बोला जाता है और हमारे शास्त्र में शिव और पार्वती का महत्व बहुत है क्योंकि वो श्रद्धा और भक्ति के स्वरूप है जी।
जब तक जीवन में श्रद्धा और भक्ति नहीं रहती तब तक इंसान का जीवन बेकार है, बिल्कुल, उनको प्रगति नहीं मिलती। कुछ तो वो श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप शिव और पार्वती है। जो श्रद्धा और विश्वास श्रावण महीने के थ्रू चालू हो रहा है उनकी भक्ति, वो भी कोरोना महामारी में हमको काफी अच्छा फायदा कर सकती है जी। उनमें खास शिव जी का दूध पानी, काले तिल, कमल काकड़ी, जो कमल खट्टा बोलते हैं, उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल के अगर आप अभिषेक करेंगे तो आपकी शारीरिक और फाइनेंशियली, मिश्री इसीलिए डाली जाती है कि फाइनेंशियली आपकी अवस्था काफी अच्छी सुधर सकती है। पर ये सबको मेरे ख्याल से घर में ही करना पड़ेगा, अभी से कैसा लग रहा है, क्योंकि अभी कोई ऐसा हुआ नहीं कि मंदिर पूरी तरह से खुल गए हो, और सबको यही दिक्कत है कि श्रावण महीना आ रहा है, हम पूजा पाठ कैसे करेंगे, ये सब तो काफी सारे लोगों के प्रश्न भी आए थे कि मंदिर ही नहीं खुलेंगे तो हम श्रावण मास में क्या कैसे करेंगे। ये घर में शिवलिंग नहीं रख सकते जी, तो फिर आप एक काम कीजिए, जो शिव जी के पुत्र है गणपति, उनकी ही आप आराधना कीजिए जी। क्योंकि एक हमारे हिंदुस्तान या शास्त्र का एक नियम है कि बेटा बाप को बहुत प्यारा होता है, बिल्कुल, तो वही सिद्धांत हमको लेके चलना है। और गणपति वैसे भी बुद्धि के लिए, हमको भी बुद्धि से ही काम करो जी। हम डायरेक्ट शिव जी की भक्ति नहीं कर सकते, तो घर पे बैठ के गणपति जी की पूजा कर सकते हैं, जैसे चावल लेके थोड़े से गणपति दादा पे चढ़ा सकते हैं, उनके मंत्र बोल बोल के चढ़ा सकते हैं, दुर्वा है, दुर्वा से गणपति दादा की पूजा कर सकते हैं जी। तो उससे आपकी शारीरिक और मानसिक अवस्था भी सुधरेगी, और सबसे बढ़िया फाइनेंशियल अवस्था दुर्वा से सुधर जी। गणपति दादा को दुर्वा से या दरोई बोलते हैं, ज्यादातर लोग इसको जी, उससे आपकी फाइनेंशियल अवस्था काफी अच्छी सुधर जी। बहुत ही अच्छे आज गुरुजी ने बहुत सारी बातें एक ही साथ आज हमारे एपिसोड में बता दी है। श्रावण मास भी आ रहा है तो उनके बारे में भी आज हमने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है, क्योंकि मंदिर खुले नहीं है, सो श्रावण मास में आपको आराधना करनी है शिव जी की, तो आप कैसे कर सकते हैं, घर में शिवलिंग रख नहीं सकते हैं तो गणेश जी की आराधना करिए। तो ये सब बातों को लेकर आज ये हमारा एपिसोड हम यहाँ ख़त्म करते हैं। लेकिन उससे पहले, जाने से पहले, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिनको भी अपने बारे में जानना है, अपने भविष्य के बारे में जानना है, ये एस्ट्रोलॉजर है किरण भाई ठक्कर हमारे साथ जो है गुरु जी, उनको बाबा के नाम से जानते हैं और काफ़ी निष्णात है एस्ट्रोलॉजी में, और अभी तक के जितने भी लोगों को काफ़ी बताया है और बहुत सारे लोगों को फायदे भी हुए हैं। सो आपको भी अगर कुछ भी समस्या है आपकी, आपकी परिवार की, आपकी, आपको बच्चों की कुछ भी समस्या है, तो हमें हर सैटरडे को 8 बजे हमारा ये लाइव शो रहता है, उससे पहले आपको भेजना है हमें आपका नाम, आपका बर्थ डेट, आपका बर्थ प्लेस और आप कौन से सिटी से हैं, वो हमें आपको बताना है। आप कहीं से भी, ये वर्ल्ड में कहीं से भी आप ये प्रश्न कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये सूरत के लिए है, सिर्फ सूरत के लिए लोगों के लिए नहीं, ये पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए है, कहीं से भी आप ये पूछ सकते हैं, आपके बारे में पूछना है आपको तो। और साथ में अगर क्वेश्चंस भी कुछ आपके मन में है, अगर आप कुछ मुंजवन है आपके मन में, तो आप 2 क्वेश्चंस भी हमें पूछ सकते हैं, तो हम इसका जरूर गुरुजी आंसर इसका करेंगे। और ऐसे ही हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपको हमारा फेसबुक पेज लाइक करना पड़ेगा, यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा विद बेल आइकॉन, ताकि नए एपिसोड आपको इसमें देखने के लिए मिले, और बहुत सारी जानकारी भी हमारे चैनल के द्वारा आपको मिल सकती है। और हमारी वेबसाइट भी है www.exoticwebmedia.com, आप उस पर भी जाके देख सकते हैं, उसको भी आप रजिस्टर कर दीजिएगा। और ऐसे ही एपिसोड में नेक्स्ट सैटरडे को हम वापस मिलेंगे, तब तक के लिए गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय गणेश। हम वापस ही ऐसे एपिसोड के साथ वापस मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और जय गणेश। जय गणेश। सिद्धांत अल्क कैड लिक्विड कैल्शियम नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर, इंडिया की एकमात्र कंपनी
जो FSSAI, USFDA, WHO GMP, ISO 45001 द्वारा प्रमाणित है। सिद्धांत अल्ककैड में कैल्शियम विटामिन D3, मैग्नीशियम है जो अल्कलाइन एंटीऑक्सीडेंट नेचुरल एंटीबायोटिक है और ORP संतुलित करता है जो इम्यूनिटी बढ़ाने में एवं 70 से भी ज्यादा बीमारियों में सहाय करता है। सिर्फ 2 बूंद लिक्विड कैल्शियम रोज सुबह शाम 250 ml गुनगुने पानी में डाल के पीने से आश्चर्यजनक परिणाम मिलता है। सिद्धांत लाइम प्राइवेट लिमिटेड।